भाजपा सरकार अब पत्रकारों पर भी मेहरबान हो रही है। इसके तहत त्रिपुरा सरकार ने रिटायर्ड पत्रकारों की पेंशन में इजाफा करने का ऐलान किया है। इसके बाद अब उनको 1,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा पत्रकार विश्वजीत शर्मा को 2,00,000 रुपए का चेक सौंपते हुए की। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पत्रकारों की पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव वो पहले ही पास कर चुके हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया की समाज निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है, अतः उनको मीडिया के लोगों को एक पत्रकार के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी अदा करनी चाहिए। देव ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, अतः इस चौथे स्तंभ को लोकतंत्र बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस दौरान अगरतला प्रेस क्लब के कन्वेयर प्रणब सरकार ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अपना 1 महीने का वेतन बेसहारा बच्चों की देखभाल करने वाले एक संगठन को दान किया था। एक अधिकारी ने बताया था कि मुख्यमंत्री ने लड़कियों की सुविधाओं के लिए अपने 1 महीने के वेतन को दान कर दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी ने कहा कि विप्लव देव ने अपनी पत्नी नीति देव के साथ निराश्रित बच्चों के बीच अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया था। अधिकारी ने ये भी बताया कि अपनी बेटी श्रेया के जन्मदिन समारोह के दौरान देव ने इन बेसहारा लड़कियों के कल्याण के लिए अपना 1 महीने का वेतन देने का वादा किया था, जो राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लेफ्ट का सूपड़ा साफ कर दिया था। धन्यवाद।